हेलो 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 एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है ट्वेल्थ के बाद कौन कौन से एग्जामिनेशन आप सभी लोग दे सकते हैं। अगर आपका भी ट्वेल्थ में बायोलॉजी है और आप लोग भी कंफ्यूज है कि नीट के अलावा, अपार्ट फ्रॉम नीट, कौन कौन से एग्जामिनेशन ऐसी है जो कि आप लोग दे सकते हैं, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपको सारे एग्जाम्स बताऊँगा, एग्रीकल्चर से लेकर के आपका वेटनरी से लेकर के MBBS, BMS और काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज जिसके बारे में आपको शायद किसी ने नहीं बताया होगा। काफ़ी सारे ऐसी डिग्रीज है हमारे पास, ऐसी ऐसी डिग्री अवेलेबल है गवर्नमेंट कॉलेजेस से जिससे आप डायरेक्टली साइंटिस्ट बन सकते हैं और जिसके बारे में काफ़ी कम लोग को पता है। तो वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसमें एंटर करने के लिए एक्चुअली जो कंपटीशन है वो बहुत कम है नीट से। सो ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव होगा कि आप सभी लोग वाले एग्जामिनेशन को देंगे। सो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। माई नेम इज़ अर्पित मनखेड़े एंड बेसिकली मैंने BBA CNAH करा है और मैं अभी अनअकैडमी पर करंटली पढ़ा रहा हूँ। सो ये मेरा इंट्रोडक्शन था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोग ये देख लीजिए, यहाँ पर मैं एक स्लाइड दिखा रहा हूँ आपको। यस, ये देखिए, ठीक है। इसमें अपन लिखते जाएंगे कि कौन कौन से एग्जामिनेशन से जो हम दे सकते हैं। सो मैं इसको थोड़ा ब्रॉड कर देता हूँ, एक मिनट को, जस्ट वेट अ मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल। ठीक है, ये हो गया, ओके, लेट मी जस्ट सेट इट अप। ठीक है ना, दिस इज़ गुड, आई थिंक सो। सो आज हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कि कौन कौन से एग्जामिनेशन हम लोग दे सकते हैं अपनी। सो सबसे पहले आपको बता दूं कि एक तो आपको मेजरली जो एग्जामिनेशन होती है, जो सबको जनता को पता है, वो तो आपको पता ही है, नीट वाली जो एग्जामिनेशन है, नीट यूजी जो एग्जामिनेशन होती है, विच इज़ फॉर MBBS। आप सभी लोग को पता है MBBS के लिए जो एग्जामिनेशन होती है, MBBS एंड BDS कोर्स है ना, तो ये तो आपको पता ही है, ये इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन हमारी होती है, विच इज़ ICAR एग्जामिनेशन, ICAR एग्जामिनेशन विच इज़ फॉर एग्रीकल्चर कोर्सेज। जो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है वहाँ पर आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं एंड वहाँ से निकलने के बाद पैकेजेस भी काफ़ी बढ़िया लगते हैं। तो ICAR UG का अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है विच यू कैन गिव। इसके अलावा जो एग्जामिनेशन होता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक ICAR का हो गया, MBBS क्या हो गया, एक मैं आपको बताता हूँ, IISER क्या होता है बेटा। ये IISER मतलब होता है कि बेसिकली ये जो एग्जामिनेशन है ये उन लोग के लिए है जो कि रिसर्च में जाना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट एग्जामिनेशन है बिकॉज इसमें उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो लोग डायरेक्टली साइंटिस्ट के साथ काम कर पाए। दिस इज़ अ 5-year course, 5-year course होता है इसमें, BSMS डिग्री बोलते हैं इसको, है ना। सो यू कैन अप्लाई फॉर दैट ऑल्सो, बायोलॉजी आपका है तो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको पता है कि एम्स का भी एग्ज़ाम होता है, एम्स नर्सिंग एग्जामिनेशन। अगर आप नर्सिंग में इंटरेस्टेड है तो एम्स से नर्सिंग करने का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। एम्स का नर्सिंग एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं, विच इज़ अ गवर्नमेंट कॉलेज एंड टॉप कॉलेज ऑफ आवर कंट्री। सो ये भी आप दे सकते हैं, एम्स का नर्सिंग एग्जामिनेशन। फिफ्थ जो एग्जामिनेशन काफ़ी सारे लोग को नहीं पता होता है जिसके बारे में, दैट इज़ IISER, मैंने आपको बता दिया, ICAR बता दिया। एक होता है बेटा नेस्ट एग्जामिनेशन विच इज़ ऑल्सो फॉर रिसर्च बेस्ड पर्पसेस, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है, नेस्ट एग्जामिनेशन। इसके अलावा जो एक एग्जामिनेशन होता है दैट इज़ BHU का एंट्रेंस एग्जाम होता है। BHU का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है अलग अलग कोर्सेज के लिए होता है, एग्रीकल्चर से लेकर के, नर्सिंग से लेकर के, और बहुत सारे उसमें कोर्सेज है, फॉरेस्ट्री, बहुत सारे कोर्सेज है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं BHU का जो एग्जामिनेशन होता है। तो ये कुछ सिलेक्टेड एग्जामिनेशन है जो कि आपको देने ही देने हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो कुछ यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशंस होती है, यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशंस, जैसे कि मणिपाल की होती है और एक केरला की यूनिवर्सिटी है उसकी होती है। तो आप सर्च करना यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशंस आफ्टर ट्वेल्थ फॉर बायोलॉजी, तो उसमें आपको मिल जाएंगे। काफ़ी सारे एग्जाम्स ऐसी होती है जो कि काफ़ी कम लोग देते हैं, बट वो जो कॉलेजेस हैं वो काफ़ी बढ़िया कॉलेजेस होते हैं, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं एंड यू विल गेट अ ग्रेट ग्रेट सैलरी आफ्टर द कोर्स। सो आप सभी लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, यही मैं आपको बताना था इस वीडियो में। काफ़ी कम लोग इसके बारे में जानते हैं, वो लोग सोचते हैं कि सिर्फ नीट ही जो है उनका एक ओनली ऑप्शन है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मेरे को आपको अनअकैडमी के बारे में बताना है। अनअकैडमी के बारे में आपको क्या बताना है, बेसिकली आपको बताना था मुझे, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ ताकि आप लोग को यहाँ पर विजिबल हो जाए। यस, यहाँ पर आपको मेरा नाम वाम तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है, यस। इसके अलावा मैं आपको बताना था कि बेसिकली अनअकैडमी पर आप सभी लोग जो है दो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, एक है अनअकैडमी का प्लस वाला सब्सक्रिप्शन है, एक है अनअकैडमी का आइकॉनिक वाला सब्सक्रिप्शन। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी करना चाह रहे हो, तो ये अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है।
बेसिकली अन अकेडमी का प्लस वाला जो सब्सक्रिप्शन है उसको आपको उसमें आपको मिलती है लाइव क्लासेज, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। इसके अलावा आइकॉनिक जो है उसमें आपको मिलता है पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस एंड टेस्ट एनालिसिस। ये पूरा के पूरे जो कोर्सेज आपको मिलते हैं एट द कॉस्ट ऑफ 3000 से लेकर के 48 मंथ तक के कोर्सेज है, आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं। और अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड भी लगा सकते हैं। आप मेरा कोड जो है सीक्रेट कोड अगर आप लगाएंगे ए बी सर जो है मेरा कोड है एजुकेटर कोड, वो अगर आप लगाएंगे ABSIR तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट भी, ठीक है। एंड यही मेरे को आपको बताना था आइकॉनिक के कुछ बेनिफिट्स और प्लस के कुछ बेनिफिट्स, तो ये आप ले सकते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को, एंड थैंक यू वेरी मच।